हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक बहुत डिफरेंट वीडियो करने वाले हैं। आज हम एक कार ग्रुप के लॉन्च पे जाने वाले हैं, स्पीड डीमंस ऑफिशियल उसका नाम है। और इस लॉन्च के लिए हमें मतलब आशीष ने इनवाइट किया था, आशीष बेनीवाल, आपको पता होगा मैंने कोलैब भी किया था उसके साथ, एक या दो बार किया था। बेसिकली अभी हम वहीं जा रहे हैं, जाना तो सेक्टर 29 गुड़गांव में है, लेकिन बीच में हमें आशीष और विवान दोनों मिलने वाले हैं। क्योंकि यार विवान जो है वो आपको पता ही होगा ड्रैग्स में भी गाड़ी नहीं चलाता, और आशीष की गाड़ी सर्विस स्टेशन पे है उसकी 700 जो है। तो फिलहाल मेरे साथ मेरा फ्रेंड स्पर्श है। हेलो गाइस, इसको आपने शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा और आगे भी शायद नहीं देखोगे, ये मेरा बचपन का दोस्त है और ये थर्मल में आया है और इसको पता नहीं क्या चुल मची थी, क्या पहन क्या है। अरे ये टी शर्ट है भाई, मैंने तो आज तक टी शर्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि ऐसी स्टिचिंग में कौन सी टी शर्ट होती है यार। सही बात है, और थोड़ी देर में मिलवाता हूँ आपको मैं उनसे। आपको दिख रहा होगा कि आशीष और विवान दोनों के दोनों आ गए। आशीष और विवान दोनों से तो आप, विवान से तो आप हर समय मिलते ही रहते हो, आशीष भाई थोड़ा बिजी रहता है आजकल। हाँ, ये कितने तीन या दो चार महीने, 3 महीने के आसपास बाद ही मतलब हम मिल रहे हैं, और खैर कोलैब तो क्या ही है, साथ ही जा रहे हैं। तो अभी हमारा देखो प्लान ये था ओरिजिनली कि हम सीधा वहाँ जाएंगे चारों के चारों साथ में, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया। आशीष बोल रहे कि उसको अपनी एक्सयूवी उठानी है वर्कशॉप से। क्या काम था गाड़ी में, क्या काम होना था? विंडशील्ड चेंज होनी थी इसकी गाड़ी की, तो वो हो चुकी है और अब फिर बस यही है, गाड़ी उसकी साफ हो रही है। अभी हम पहले उसके वर्कशॉप पे जाएंगे और गाड़ी उठाएंगे, फिर आशीष अपनी गाड़ी में जाएगा, फिर वहां से हम सीधा वहीं मिलते हैं आपको। अभी हम एक्सयूवी बोल रहा हूँ महिंद्रा के शोरूम के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पे ये एक थार है, आपको शायद ध्यान से देखने पे दिख रहा होगा, इसमें धुआं सा निकल रहा है यहाँ पे इस पोर्शन पे थोड़ा सा, पर इस गाड़ी का नंबर भी नहीं लगा हुआ है अभी तक, दिख रहा है तो इसमें नहीं दिख रहा। तो अगर जितना भी आइडेंटिफाइएबल है, जितना भी दिख रहा है, उस हिसाब से मैं ये लग रहा है कि यार इस गाड़ी के क्लच में दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी नहीं लगा हुआ है अभी। और ये हमारे एक्सपर्ट जो टेक एक्सपर्ट है विवान, उसने बताया हमें ये कि ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्लच इसका बर्न हो रहा है, और क्या हो सकता है, हीट हो गया होगा क्लच। यस सर, और कुछ नहीं हो सकता गाइस, क्लच हीटिंग का कंपोनेंट मतलब क्यों हुआ होगा, क्योंकि नंबर भी नहीं है गाड़ी पे, मतलब अभी तो बिकी भी नहीं है गाड़ी। यार मैंने वैसे ना देखा है महिंद्रा की नई गाड़ी में ये इशू आता है, एक एक्सयूवी 3W में भी धुआं आने लग गया था, धुआं आने लग जाता है अपने आप बिना बात के। वो कहते हैं कुछ ना इसके अंदर कुछ प्लास्टिक का वो लगाते हैं और वो पिघल जाता है। अच्छा, तो हो सकता है इस वजह से हुआ। फिलहाल तो हम आशीष का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी लेने गया हुआ, गाड़ी लेके निकलेगा फिर हम सारे साथ में निकलेंगे यहाँ से। गाइस अभी हमारे टाइम हो चुका है वेट करते हुए आधा घंटा हो गया ना एग्जैक्ट, 4:26 हो रहे हैं, 3 बजे का हमारा मीटअप का टाइम था, 3 बजे हमें आइडियली वहाँ पहुंच जाना चाहिए था, पहले ये बंदा लेट आया, फिर ये बंदा लेट आया, और अब आशीष और लेट कर रहा है। वो पता नहीं एक्सयूवी लेने गया या बनाने गया, वही बताएगा कि इतनी देर क्यों लग रही है उसको। खैर अब कई बार कर देते हैं कंपनी वाले लेट, लेकिन 4:30 बज चुके हैं यार, अंधेरा भी होने लगा, हमने सोचा था वहाँ जाएंगे अच्छी गाड़ियाँ एग्जॉटिक कार्स आएंगी, विमान ने सोचा था अपनी वेंटो को स्टेज 3 जो वेंटो, ओ नहीं ये बताना नहीं था ना कैमरा पे, स्टॉक वेंटो उसकी वो लेके जाएगा, लेकिन उसकी स्टॉक वेंटो आज उसने ठोक दी, तो हाँ ये रीजन है विमान गाड़ी नहीं चलाता, क्योंकि वो गाड़ी ठोक देता है चलाता जब भी। बस अभी फिर वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं कितनी देर लगेगी यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहीं खड़े हैं महिंद्रा के बाहर, और एमोक को हमने वो वहां से वो आग भी निकलते हुए देख लिया, धुआं निकलते हुए देख लिया नई गाड़ी से, आफ्टर ऑल उन्हें नई गाड़ी बनाई है, मेहनत तो लगती है हर कंपनी को भाई, बड़ा पागल है ये सिटी वाला। तो गाइस अभी विवान बता रहे कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है यार बैठे बैठे, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाता है जब इंसान रियर सीट में बैठ के गाड़ी चला रहा होता है। गाइस मैं इतनी देर से ड्राइव कर रहा हूँ वर्टस को रियर सीट से, पहले वेंटो को पैसेंजर सीट से कर रहा था, अब इसको रियर सीट से कर रहा हूँ। जो काम ड्रैग रेसेस में करता है वही असली लाइफ में भी करता है, या तो अपने आप जब आता है पैसेंजर सीट से हटकर ड्राइविंग सीट पे तब ठोक देता है गाड़ी, या उस बाकी टाइम पे तो यही हरकतें करता है। व्लॉग बनेगा इसका बहुत जल्दी, कहाँ मारी तूने? मैंने नहीं मारी यार, वो खड़ी गाड़ी पे मार दी। बता वोल्टेज जीटीओ क्या हुआ, वोल्टेज जीटीओ क्या हुआ सुबह? अच्छा हाँ, इसको मैं लेने जा रहा था तो फिर एक बाइक वाले ने आके सामने मार दिए, छोटे से स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये स्क्रैच तो स्क्रैच होता है। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स वालों ने नाक में दम कर रखा है यार, इन्हें निकालो यार, मोदी जी आपसे विनती है प्लीज, इनको किसी को निकालो ना निकालो, इनको निकाल दो सबसे पहले। हम फाइनली मेरे हिसाब से पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे कुछ कुछ अच्छी दिखने लग गई है हमें, और आपको भी दिख
दिख रहा होगा पीछे पीछे यहाँ पे खड़ी हुई एक रेंज रोवर भी खड़ी हुई है, बाकी और फिर देखते हैं यहाँ पे है कितने लोग, क्योंकि हाँ लॉरा भी खड़ी है, मस्टैंग खड़ी है, तो ये रही ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ आ गई हैं और हम ऑब्वियसली बहुत लेट हैं तो देखते हैं अभी। तो गाइस आ गए हैं फाइनली और मीटअप पे विवान टैगरा द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑन दी द बिगेस्ट सेंसेशन इज ओवर हियर, और शविमान भाई भी यहाँ पे खड़े हैं और आशीष भाई की गाड़ी यहाँ पे अभी लग रही है साथ में, तो शविमान से पहले मिलवाया था आपको भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। तो शविमान भाई से पहली बार मैं भी मिल रहा हूँ, एक बार बात हमारी हुई थी व्हाट्सएप पे हुई थी, इंस्टाग्राम पे भी एक दो बार बात हुई है, लेकिन मिलना पहली बार ही हो रहा है। तो गाड़ियाँ सारी पीछे अलाइन खड़ी है, आशीष भाई ने बुलाया था हम सबको, तो अभी हम सारे तो यहीं पे आ गए, देखते हैं आगे कि क्या सीन हो रहा है, कैसे प्रोसीड करना है। तो गाइज अभी गाड़ी यहाँ पे बहुत सारी खड़ी है, पीछे तीन आपको दिख रही होगी, एक तो लॉरा वीआरएस खड़ी हुई है, साथ में हमारी वोल्टस खड़ी है और उसके साथ में फिर आशीष की एक्सयूवी खड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो लाइनअप है इसके बारे में काफी कुछ मेरे को तुषार भाई बताने वाले, तो तुषार बता भाई स्टार्टिंग से बता, एक एक गाड़ी का बताइए डिटेल में बताइए, तेज बोल थोड़ा। मेरी वाली खड़ी है ब्राउन बर्ड स्टेज टू, ये ब्रियो की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बाद अपनी राइजन खड़ी हुई है, ये भी स्टेज ब्रियो की पावर क्या है 115 BHP 140। स्टॉक कितनी आती है 87 आती है, ये 135 BHP स्टेज टू पे स्विफ्ट, शविमान की गाड़ी है, ये जो स्टॉक है अच्छा, सीवी स्टेज टू 140 अच्छा 1.4 नहीं है, 1.4 नहीं है, अच्छा कौन सी 1.5 पेट्रोल नॉर्मल, अच्छा एनए है ना ये, तो हाँ तो 110 BHP है, 110 का। फिर मस्टैंग अपनी भाई 400+ BHP 400+ BHP स्टेज वन है, रेंज रोवर बच्ची लग रही है यार मस्टैंग के सामने, आप देखो हाँ तो हार भी यार, रेंज रोवर स्टॉक है, रेंज रोवर स्टॉक। ये जो सियाज है भाई बाकी गाड़ियों का नहीं पता, बाकी ये गाड़ी पता था। चलो भाई अभी इतना ही हमें पता था, जितना पता था बता दिया हमने, अभी थोड़ा अभी स्टेज 3 से आ रही है, पोलो आ रही है स्टेज 2 अच्छा। उनके साथ फिर साया में छोटा सा रेबेटल भी कर, चलो बढ़िया फिर तो सही है अच्छा। गाइज अभी ये मस्टैंग लॉरा थार निकल रही है एक राउंड पे और ये होपफुली बाद में वापस आएंगे, मतलब 8:30 बजे जब खाने का सीन है तब आएंगे वापस, और यार ये वन ऑफ द लाउडेस्ट मस्टैंग है जो मैंने सुनी है आज। क्लब लॉन्च के लिए ये भैया अंबाला से आए हैं स्पेशली और अंबाला से भी ये कल ही अंबाला पहुंचे, नहीं नहीं हाँ कल ही अंबाला पहुंचा हूँ पालमपुर से, अच्छा तो स्ट्रेट अभी आ गए, तो आप मतलब फिर ग्रुप के लॉन्च के लिए पूरा वो करके आए, क्या बात है यार, ये देखो यार सब्सक्राइबर मिले थे भाई जैसे हो गए, अब भाई यही होता है क्योंकि मैं इसका सब्सक्राइबर था, इसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फिर हमारी बातचीत हुई, फिर हमारी बातचीत हुई, ऐसे ही सब बढ़ते हैं यार पूरा, क्योंकि सबका ऐसे ही होता है, छोटी सी कम्युनिटी है हाँ। प्यार से बना के चलेंगे, वही वही बात है भाई, वरना कोई वो है भाई, भाई यूनिटी वाली बात है करना सबने फन के लिए, इतने प्यार से बुलाया ना, पीछे पड़ गया ना, आ जा भाई सब, यार मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही, अच्छा भाई आ जा भाई, लैंड रोवर वाले जो व्हाइट वाले, अच्छा आप व्हाइट लैंड रोवर वाले हो, लैंड रोवर जो वाले तेरे जाने थी, हां 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 भाई अभी फिर ट्यून ले गए हो, अरे नहीं स्टॉक है, वो स्टॉक है, स्टॉक ऐसे जाती है, लेंट्रा बहुत कातिल है, 2019 भी चला मत लियो, गाइस अभी फाइनली जो भी था हमारा मतलब मीटअप था, गाड़ियां अभी पीछे अलाइन खड़ी हैं क्योंकि उन सबको जाना था खाने पीने के लिए, उनका प्लान था पहले से, और हम चार लोग जो हैं जिसमें ऋषभ भाई है, मैं हूँ, ऋषभ भाई साहब आप पहली बार मिल रहे होंगे लेकिन होपफुली अब आगे मिलेंगे, ड्रैग रेसेस के लिए आएंगे, और जो मेरा दोस्त था स्पर्श और पीछे विवान तो है ही, वो देखो अपनी लाइट ऑन करके, शक्ल तो दिखाता नहीं है वो अपनी, ऐसे ही चले जा रहा है, तो बेसिकली उनका प्लान था खाने पीने का, इसके बाद हमारा प्लान था निकलने का, क्योंकि यार हम मतलब सिर्फ मीटअप के लिए आए थे, हमें खाने पीने का कोई उतना वो है नहीं, तो
अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर देखते हैं शायद विवान को छोड़ते हुए इसके घर के पास ही कहीं चले जाएं, वहाँ खा लें, क्योंकि यहाँ से निकलने में हमें बहुत देर लग जाएगी क्योंकि हम थोड़ा अंदर आए हैं गुड़गांव के, और इनको फिर सुबह निकलना भी है अम्बाला, तो फिर इस चक्कर में हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए, ट्रैफिक में ना फंसे, आगे जाके चाहे कहीं पे भी खा लें। तो गाइस अभी हम जो चार लोग थे, चार में से दो लोग हम आ गए हैं यहाँ पे बर्गर लेने के लिए क्योंकि हमें भूख लग रही थी, और बाकी दो लोग बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर नो पार्किंग जोन है, तो वो अंदर ही बैठे हैं कि कोई सीन हो, कोई दिक्कत हो तो वो मैनेज कर लेंगे, और हम दोनों यहाँ पे ऑर्डर लेके आए हैं। गाइस अभी फाइनली खाने पीने के बाद हमने विवान को छोड़ दिया, विवान तो वहीं उमराव पे उतर गया था, और अब ऋषभ भाई भी जा रहे हैं और इनको यहीं से जाना है सीधा अम्बाला, तो इनके लिए तो काफी लंबा टूर होने वाला है, हम तो फिर भी एक घंटे में पहुंच जाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कंफर्टिंग अस, थैंक यू, हां एग्जैक्टली। तो हमारा ये प्लान हुआ है कि उनके लैंडर के साथ अपनी वर्टस का ड्रैग करेंगे हम, उनकी बाकी मैंने जो भी ड्रैग रेसेस देखी मेरे को भी पता चला कि काफ़ी तेज़ है उनकी गाड़ी, तो उनकी गाड़ी के साथ अपनी ड्रैग होगी। क्या कर रहा है भाई, क्यों लाइटें छेड़ रहा है? स्पर्श और मैं निकल रहे हैं अब घर के लिए वापस, फाइनली इतनी देर बाद मैं आपको रन टाइम दिखाता हूँ, 3 घंटा 54 मिनट 3 hours 54 minutes 11.2 के एवरेज दिए गाड़ी ने, और 60 किलोमीटर चले हम सिर्फ, पहले ये था 1 घंटा 40 मिनट में कितने किलोमीटर आ रहे थे, 1 घंटा 40 मिनट में 38 किलोमीटर, और अब 17 किलोमीटर बचे हैं 42 मिनट्स में, तो अब इसको गाड़ी चलानी है। अभी मिलेगी तेरे को भाई, बाद में मिलेगी तेरे को, तेरी वैसे भी मूवी है ना अभी भी, मूवी के लिए रेडी रहे। तो अभी इसको यार एवेटार देखने जाना है, और इसका अपनी किसका प्लान बना तेरा भाई, और भी लोगों के साथ प्लान बनाया इसका, अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं होगा तो मैं व्लॉग को यही एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर वीडियो, बाय।